फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम से इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं स्टफ लेडी फिंगर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप पराठे के साथ, दल राइस के साथ, किसी के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में तो और क्रिस्पी भी होती है। तो चलते हैं इस रेसिपी को देखने के लिए फटाफट अपने किचन में। स्टफ लेडी फिंगर बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी लिया हुआ है, जिसको कि हमने धोकर पोंछ के थोड़ा सा और इस तरीके से हमने कट कर लिया है ऊपर से नीचे तक। थोड़ा सा ये इसमें चिपचिप तो रहता ही है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो आप। नाइफ में थोड़ा सा लेमन लेके उसको कट करें। ये 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है, रेड चिली पाउडर, धनिया हल्दी पाउडर, ये अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और ये जीरा है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऑयल है जो कि हमें लेडी फिंगर को फ्राई करना है। लेडी फिंगर का मसाला बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है, और इसमें हम बेसन डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच गरम मसाला, हाफ छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ छोटी चम्मच चिली पाउडर, हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच हमें अमचूर पाउडर, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, और 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें डाल लेना है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, इन सभी मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा चिली पाउडर आप और डाल सकते हैं, या चिली को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए मसाला काफ़ी ड्राई है, तो इसमें हमने 1 स्पून ऑयल मिक्स किया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मसाला अभी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको मसाला मेरा तो ठीक हो गया है, अगर आपको लगता है तो ऑयल आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। और देखिए मसाला रेडी हो गया है, और इसको हाथ से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा। तो इस तरह से हमने लेडी फिंगर, अगर आपकी बड़ी लेडी फिंगर है कोई, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, और अगर छोटी है जैसे कि ये, तो मैंने इसको एक ही पार्ट में डिवाइड रखा है, और बिल्कुल भी इसके पार्ट नहीं किए हैं। फिंगर से आप फैलाकर जो ये कट लगाया है, इस पे हम अपना मसाला स्टफ कर देंगे। लेडी फिंगर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और आप लोग इसको अपनी डाइट में, बहुत लोग वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तो वो लोग बहुत इजीली इसको ऐड करें अपनी डाइट में, और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। ये देखिए सभी लेडी फिंगर को मैंने स्टफ करके रेडी कर लिया है। अब गैस को ऑन करके उस पर पैन रख देते हैं। इनको फ्राई करने के लिए हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, और इस तरीके से अब हम लेडी फिंगर को इस पर ट्रांसफर कर देंगे। बहुत ही सावधानी से इनको हम रखेंगे, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। ये देखिए इसको इस तरह से ही टॉप करें, ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है, और इसकी लिड लगा देंगे। लिड को पूरा ना लगाएं, पूरा लगाएंगे तो फिर ये गलने लगेंगी और टूट जाएंगी, इसीलिए थोड़ा सा इसको बस 2-2 मिनट में हमें इसी तरीके से इसको पकाना है, और हल्का सा टॉस करना है। देखिए 2 मिनट हो गया है, और इनको फिर हमें हल्का सा पलट लें, किसी टोंग की हेल्प से करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें स्पून मत चलाइएगा। ये देखिए मैंने सभी लेडी फिंगर को पलट लिया है, और इसकी लिड फिर से हम लगा देंगे, स्लो फ्लेम में ही इन्हें पकाना है। ये देखिए फिर से 2 मिनट हो गया है, इनको फिर से हम पलट लेंगे, और 1-1, 2-2 मिनट में आप इनको पलटते रहें, नहीं तो लग भी सकती हैं और जल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। लिड को ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है हमें, इसी तरीके से हाफ आप ओपन करके ही पकाइएगा। देखिए 10 मिनट हो गया है, और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, और ये अंदर से पक भी चुकी हैं, तो इस टाइम पर आप इनको खोल कर ही पकाएं, और थोड़ा सा फ्लेम आप इसका हाई कर दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर इनको खोल कर पकाएं। ये देखिए ये बिल्कुल पकाई हैं, बस 1-2 मिनट आप इनको खोल कर बिल्कुल हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए भरवा लेडी फिंगर एकदम रेडी हैं, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, और ये करारी करारी एकदम हम इनको पराठे के साथ खाएं, या चपाती के साथ खाएं,
दाल राइस के साथ खाएं, बहुत मजा आने वाला है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अपना